गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू PNMRC ई लर्निंग क्लासेस। सो इन कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, वी विल स्टार्ट अवर वीडियो विद द टॉपिक डायरिया, पेज नंबर 17। समटाइम यू मे हैव एक्सपीरियंस्ड द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली। कई बार ऐसा होता है, कभी हमने कुछ गलत खा लिया होता है तो हमको बार बार स्टूल पास करना होता है। ऐसा लगता है कि जैसे बार बार हमको स्टूल आ रहा है। दिस कंडीशन इज़ नोन एज डायरिया। ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? डायरिया। या आम लैंग्वेज में हम बोलते हैं भाई लूज मोशंस हो गए हमको। इट मे बी कॉज्ड बाय एन इन्फेक्शन, फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन। ये जो इन्फेक्शन होता है, ये जो डायरिया होता है, दैट इज़ कॉज्ड बाय, या तो कोई इन्फेक्शन हो गया होता है हमको, हमारे जो स्टमक के अंदर या इंटेस्टाइन्स के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया होता है, या फूड पॉइजनिंग की वजह से भी बार बार हमको स्टूल पास करने का नीड पैदा होती है, या कभी इनडाइजेशन की वजह से कुछ ऐसा खाना खा लिया होता है जो हमको प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हमको डायरिया हो जाता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया, पर्टिकुलरली अमंग चिल्ड्रन। तो ये तो इंडिया में बहुत ही कॉमन है, और बच्चों में तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फेटल, पर अगर कंडीशन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो ये हमारे जान पे भी बनाती है इससे। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी। ऐसा इसलिए होता है कि बार बार स्टूल पास करने से, बार बार वॉमिटिंग वगैरह आने से हमारी बॉडी में से एक्सेसिव वाटर जो होता है वो बाहर निकल जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी के अंदर। दिस इज़ बिकॉज द एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी, डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड। सो डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड। अगर ऐसा कभी हो कि बार बार स्टूल पास करने का जाना बन रहा हो या वोमिटिंग हो रही है कंटिन्यूसली, तो हमें डॉक्टर से तुरंत मिलना चाहिए। इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड, द पेशेंट शुड बी गिवन पार्शली प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर। अब क्या करना चाहिए हमें, अगर डॉक्टर के पास तो हमें जाना ही है, लेकिन डॉक्टर के जाने से पहले हमें थोड़ा सा क्या करना चाहिए कि हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए। पानी भी कैसा, जिसको बॉयल करके ठंडा कर दिया गया, और उसमें पिंच ऑफ सॉल्ट, एक चुटकी भर सॉल्ट एंड शुगर, और थोड़ा सा शुगर उसमें डिजॉल्व, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं ORS का घोल। आपने कई बार टीवी पे देखा भी होगा कि बच्चों को अगर डायरिया हो जाए तो ORS का घोल पिलाना चाहिए, बाज़ार में पैकेट्स में मिलता है। दिस इज़ कॉल्ड एज ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन और ORS। तो दिस इज़ इंफॉर्मेशन अबाउट डायरिया स्टूडेंट्स। नाउ वी विल स्टार्ट अवर न्यू टॉपिक एंड दैट इज़ डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल। अब डाइजेशन जो होता है वो हम में नहीं, उन एनिमल्स में भी होता है जो ग्रास खाते हैं, जैसे कि काउ, बफेलो, गोट, कैमल, जो ग्रास ईटिंग एनिमल्स हैं उनमें डाइजेशन कैसा होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हैव यू ऑब्जर्व्ड काउ, बफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन वेन दे आर नॉट ईटिंग। कई बार तुमने देखा होगा काउ बफेलोज को खाना, तो वो ग्रास तो खा लेते हैं, उसके बाद अब वो ग्रास नहीं खा रहे होते हैं, उसके बाद भी च्यू कर रहे होते हैं कंटिन्यू, मुँह में से झाग जैसा निकल रहा होता है। एक्चुअली दे क्विकली स्वॉलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ अ स्टमक कॉल्ड र्यूमन। एक्चुअली में क्या होता है कि पहले जब उनको घास मिलती है तो वो जल्दी जल्दी उस घास को खा लेते हैं, बिना डाइजेस्ट किए जल्दी जल्दी उस घास को खा लेते हैं, और खा के उसको अपने स्टमक का एक पार्ट है जिसे हम बोलते हैं र्यूमन, वहाँ पर स्टोर कर लेते हैं। हियर द फूड गेट्स पार्शली डाइजेस्टेड एंड इज कॉल्ड कड। अब यहाँ जो ये र्यूमन जैसा पार्ट है, इसके अंदर क्या होता है कि जो तब वो जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं, वहाँ पर अपना स्टोर कर लेते हैं उस ग्रास को, उस अनडाइजेस्टेड फूड को, वहाँ पर खाना जो है डाइजेस्ट तो होता है पर बहुत थोड़ा सा, पार्शली थोड़ा बहुत, तो उस दैट इज कॉल्ड एज कड। बट लेटर द कड रिटर्न्स टू द माउथ इन स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यूज इट। तो क्या होता है, जो कड होता है वापस से कहाँ पर रिटर्न होता है, माउथ में रिटर्न होता है, और फिर वापस से जो एनिमल है उसको च्यू करता है और उसको डाइजेस्ट करता है। तो मैंने आपको ये प्रोसेस बताया कि सबसे पहले एनिमल क्या करता है, धीरे धीरे सारी ग्रास को खा लेता है, और खाने के बाद जो ग्रास होती है वो र्यूमन के अंदर जाकर एक्यूमुलेट हो जाती है, इकट्ठा हो जाती है, कुछ समय के बाद में वहाँ पर वो पार्शली डाइजेस्ट होती है एंड इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कड। और जो ये कड है वो धीरे धीरे जो है लम्ब्स के अंदर वापस मुंह के में रिटर्न होती है एनिमल के, और जो एनिमल है उसे वापस से अच्छी तरह से च्यू करता है और डाइजेस्ट करता है। इस
प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज रूमिनेशन. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेशन. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट्स, और इन एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स. द ग्रास इज रिच इन सेलुलोज. ग्रास जो होती है वो रिच होती है किस में, सेलुलोज में, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट. एक तरह का क्या है वो, कार्बोहाइड्रेट है. इन रूमिनेंट्स लाइक कैटल, डियर एटसेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन रूमन हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ सेलुलोज. अब क्या होता है कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, रूमन के अंदर, वो हेल्प करता है डाइजेशन के अंदर, सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करता है. मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. बहुत से एनिमल्स हैं, इसमें हम भी आते हैं, इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, दे कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज. हम लोग डाइजेस्ट क्या कर सकते हैं, हम लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं कार्बोहाइड्रेट, पर हम सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं करते, तभी तो हम घास नहीं खाते. Now student, animals like horses, rabbits, etc. have a large sac-like structure called cecum between the oesophagus and small intestine. और जो animals हैं जैसे कि horses हैं, rabbits हैं, उनके क्या होता है, एक large sac-like structure, एक bag जैसा structure होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, cecum. वो कहाँ present होता है, between the oesophagus and small intestine. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which is not present in humans. Or cellulose jo present hota hai food ke andar, that is being digested in cecum with the help of bacteria. Aur ye cheez humans mein nahi hoti. So far you have learnt about animals which possess the digestive system. Ab tumne un animals ke bare mein padha hai jinke paas digestive system present hai. पर कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम प्रेजेंट नहीं होता, फिर भी खाना तो डाइजेस्ट होता ही है. वो किस तरह से होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम, देन हाउ डू दे एक्वायर द डाइजेशन ऑफ फूड. इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक. तो इसके बारे में, जिसके पास में डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता लेकिन माउथ प्रेजेंट है, माउथ भी प्रेजेंट नहीं होता, फिर भी वहाँ पर डाइजेशन होता है, वो किस तरह से होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. आवर टॉपिक इज फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा इज़ अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म. अमीबा क्या है, एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल्ड एनिमल है, केवल एक ही सेल प्रेजेंट होता है उसकी बॉडी में. और कहाँ मिलता है, फाउंड इन पॉन्ड वाटर. अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन. अमीबा के सेल के बाहर कौन सी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन. अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स. और क्या प्रेजेंट होता है सेल के अंदर, सबसे पहले तो सेल मेम्ब्रेन से एनक्लोज्ड होता है, और एक बीच में एक प्रेजेंट होता है राउंड डेंस न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और स्मॉल बबल जैसे वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. इन इट्स साइटोप्लाज्म, अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजिशन. अमीबा का कोई शेप नहीं होता, वो कॉन्स्टेंटली अपनी पोजिशन और अपनी शेप को चेंज करता रहता है. इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड स्यूडोपोडिया. अब जब उसको मूव करना होता है तो वो अपने प्रोजेक्शंस, अपनी बॉडी के अंदर से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बाहर निकालता है, और क्या करता है उसको क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया, और मूव करता है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, फॉल्स फीट भी हम उसको बोलते हैं फॉर मूवमेंट. एंड कैप्चर ऑफ फूड, और क्या करता है, कैप्चर करता है फूड को विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया. Now students, page number 19, amoeba feeds on some microscopic organism. Amoeba खाता क्या है, खाता है some microscopic organism, बहुत ही छोटे organism जो होते हैं उनको खाता है. When it sends food, it pushes out pseudopodia around the food particle and engulf it. अब जैसे ही उसको पता चलता है कि कोई भी microscopic organism उसके आसपास है जो उसका food है, तो वो क्या करता है, अपने pseudopodia को बाहर निकालता है, जैसे pseudopodia मैंने बताया ना, फॉल्स फीट जो हैं उनके, वो बाहर निकालता है और उसको जो फूड पार्टिकल्स है उससे उसको घेर लेता है अपने चारों तरफ से, और फिर उसको निगल जाता है. द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल. और फूड कहाँ ट्रैप हो जाता है, फूड वैक्यूल के अंदर ट्रैप हो जाता है.
डाइजेस्टिव जूसेज आर सिक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल. अब उस फूड वैक्यूल के अंदर क्या सिक्रीट करती है बॉडी उसकी? डाइजेस्टिव जूसेज. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट इन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेज. वो जो डाइजेस्टिव जूसेज होते हैं वो किस पे एक्ट करते हैं? जो फूड उसने एनगल्फ किया है और उसको सिंपल सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देते हैं. एंड ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब. अब सिंपल सब्सटेंसेस में उसको तोड़ के फिर उसको वो उसकी बॉडी जो है उस फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है. द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ मेंटेनेंस ऑफ एंड मल्टीप्लिकेशन. और ये जो एब्जॉर्ब्ड फूड है वो इस्तेमाल कहाँ होता है? वो होता है बॉडी को ग्रोथ देने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए और बॉडी में को मल्टीप्लाई करने के लिए काम आता है. द अनडाइजेस्टेड रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउटसाइड ऑफ द वैक्यूल. और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो क्या कर दिया जाता है? बॉडी के बाहर, वैक्यूल के बाहर फेंक दिया जाता है. द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल्स. पर जो बेसिक प्रॉपर्टी है ना कि वो जो डाइजेस्ट करना फूड को, उसमें से एनर्जी का रिलीज होना, वो सारे एनिमल्स के लिए सेम ही है. In a later chapter, you will learn about the transport of food absorbed by the intestine to various parts of the body. अब इसके आगे जितने भी chapter आएंगे उसमें आप मैं आपको ये बताऊँगी, पढ़ाऊँगी कि जो absorb food है वो कैसे कैसे body के various body के parts में कैसे transport होता है. So student, this is the end of chapter number 2. So I will send you PDF tomorrow. So thank you students and have a nice day. Goodbye.